नमस्ते, मैं जय नाइक। वेलकम बैक टू जय नाइक टॉक्स। आज का ये वीडियो देश के सभी छोटे बड़े दुकानदार, सभी छोटे बड़े व्यावसायिक, सभी बिजनेस पर्सन, सभी बिजनेसमैन, सभी प्रोफेशनल और उन सब लोगों के लिए है जो पिछले 4 महीनों से लॉकडाउन की वजह से परेशान है। पिछले 4 महीनों से जिनके लॉकडाउन की वजह से दुकान, बिजनेस, सब कुछ बंद पड़े हुए हैं। पिछले 4 महीनों से देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारे दुकानें, हमारे व्यवसाय, सभी चीज़ें बंद पड़ी हुई। इसी के बीच गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 8 जून से अनलॉकडाउन 1 की शुरुआत की। इस अनलॉकडाउन 1 में भारत सरकार ने सभी स्टेट वाइज रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, स्टेट पे ये चीज़ें सौंप दिए कि क्या चालू करना है और क्या बंद करना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बार, रेस्टोरेंट, होटल, सलून, स्पा, ये सभी चीज़ें बंद है, सब चीज़ों पे पाबंदियां लगाई गई। इसी के दरम्यान अनलॉकडाउन 1 के बाद कोरोना के मरीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे, काफ़ी ज़्यादा उनमें नंबर्स अगर हम देखें तो बढ़ते जा रहे। अगर इसके बाद देश में लॉकडाउन की शुरुआत होती है, फिर से अगर लॉकडाउन लगाया जाता है, कई स्टेट के जो सीएम है, कई स्टेट के जो मिनिस्टर है, उनको लॉकडाउन बढ़ाने की रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि देश में दोबारा लॉकडाउन हो सके। अगर मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो ज़रूरन देश में लॉकडाउन करना ही होगा। अगर फिर से अगर लॉकडाउन शुरू होता है और इनमें आपका कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है जिस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा कि लॉकडाउन के बाद और बाद में जो बारिश अभी चालू होने वाली है उसके वजह से भी कितना इफेक्टिवली आप बिजनेस कर पाएंगे, कितना इफेक्टिवली आपका आप शॉप चला पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो जितने भी पुराने तरीके से आप बिजनेस करते आए हो, जितने भी ट्रेडिशनल तरीके से आप बिजनेस करते आए हो, इसमें थोड़ा सा भी चेंज करना होगा, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। जो हम दुनिया छोड़ के गए थे और जो दुनिया अभी चालू होने वाली है, इसमें काफ़ी अंतर है। अभी हाथ धोना, कंटिन्यूसली सैनिटाइज करना, मास्क बांधे रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमारा कल्चर बनने वाला है। 2020 के बाद जो दौर शुरू होगा, एक नया दौर शुरू होने वाला है और इस दौर में आपको, आपका अगर बिजनेस करना है, आपको अगर आपका बिजनेस चलाना है, तो नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। पुराने ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ के आपको नई एडवांस तरीके अपनाने पड़ेंगे आपका बिजनेस चलाने के लिए, आपका शॉप चलाने के, और भी कई चीज़ें जो आप अगर कर रहे हो अपने लाइफ में, वो सब करने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज लाना होगा। अगर आप जैसे पुराने तरीके से बिजनेस करते आ रहे हो, वैसे ही आपकी अगर सोच है कि आगे भी हम ऐसे करते जाएंगे, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। लोग क्राउड में जाना आप पसंद नहीं कर रहे, लोगों को जगह पे सब चीज़ें चाहिए, और आगे ये कब तक चलेगा, शायद कुछ महीने चल सकता है या कुछ साल चल सकता है, तो इसके बारे में आपको सोचते हो, आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस के तरीकों में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय आ गया है कि आप ये आप सबकी चीज़ें डिजिटल कर ले, क्योंकि अब ज़माना आने वाला जो है वो डिजिटलाइजेशन का है। अगर आपको आगे आपका ये बिजनेस चलाना है, आपको आगे बिजनेस बढ़ाना है, इस बिजनेस को बढ़ा करना है, तो आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस, कॉरपोरेट वीडियो, ये आपके बिजनेस के पिलर बनने वाले। इसके अलावा आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, चलेगा भी तो चलने में आपको काफ़ी दिक्कतें आएगी। तो ये पिलर्स को आप ध्यान में रखें, ये सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें और आपके बिजनेस को आज ही डिजिटल करें। आपके बिजनेस के लिए आपकी खुद की वेबसाइट, आपका डिजिटल मार्केटिंग और आपके कॉरपोरेट वीडियोस कितने इफेक्टिवली काम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में पूरे अगर कुल बात की जाए तो स्मार्टफोन यूज़र की संख्या 401 मिलियन है, जो 2022 तक 442 मिलियन होने वाली है। मतलब कि हमारे देश में 30% लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। और उस पर इंटरनेट की अगर बात करें तो हमारे देश में 560 मिलियन एक्टिव यूज़र्स है, जो 2022 तक 644 मिलियन होने वाली है। मतलब अगर बात करें तो हमारे देश के 34% लोग एक्टिवली इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। और देश में अगर बात की जाए तो कुल मिला के एवरेजली 300 मिनट लोग स्मार्टफोन पे रहते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देश में कुल 5 घंटे लोग मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे अपना इंटरनेट सफरिंग करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। अगर ट्रेडिशनल तरीके की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल तरीके में फोकसली हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते, हमारे बिजनेस लोगों तक हम नहीं लेके जाके पाते।
मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस अगर बताऊँ तो क्या तरीका है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो तो उसका स्लो कन्वर्जन आपको मिलेगा, वही डिजिटल मार्केटिंग में आपको फास्ट कन्वर्जन मिलेगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका स्टैटिक है, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर तरीका देखें तो डायनामिक है। पर्टिकुलर आपके ऑडियंस तक आपके एडवर्टाइजमेंट, आपका बिजनेस आप लेके जा सकते हो। इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल तरीके से आप पेपर में इश्तिहार दोगे या कहीं बैनर्स लगाओगे, आउटसाइड आप रोड पे बैनर लगाओगे, तो उसमें कोई फीडबैक नहीं मिलता है। इसमें क्या है कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो फोकसेबल रहती है, पर्टिकुलर ऑडियंस पे रहती है, उसका फीडबैक आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एकदम लोअर रहता है अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वही डिजिटल मार्केटिंग में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हायर रहता है। अगर बात करें ट्रेडिशनल तरीके की आउटडोर मार्केटिंग या पेपर में इश्तिहार देने की, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और कम इफेक्टिव। वही डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप बात करते हो तो ये काफ़ी कम एक्सपेंसिव है और ज़्यादा इफेक्टिव है। देश में आज ज़्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। इस पर अगर आपकी मार्केटिंग आप करते हो तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो हाईली आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें हमें भी करना है, हमें भी हमारी खुद की वेबसाइट बनानी है, हमें भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग करना है, हमें भी हमारा बिजनेस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए अलग अलग जगह पे जाना होगा, अलग अलग वेंडर्स को, अलग अलग एजेंसीज को मिलना होगा। तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज अ फाउंडर एंड CEO ब्रांड स्क्वेयर सॉल्यूशंस। हमारी कंपनी आपको वन रूफ सॉल्यूशंस देगी इन सभी चीज़ों के लिए। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के लिए आपको आपकी वेबसाइट मिलेगी, आपका डिजिटल मार्केटिंग मिलेगा और आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए इफेक्टिवली हम एक कॉर्पोरेट वीडियो आपको बना के देंगे। साथ ही में अगर आप क्लासेस चला रहे हो तो आप उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर भी हम डेवलप करके देते हैं। आपके बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, क्लासेस के लिए ऑनलाइन टीचिंग के सॉफ्टवेयर हो गए और मोबाइल एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट भी हम कंपनी की तरफ से करते हैं। तो आज ही आपके बिजनेस को आप फिजिकल से डिजिटल बनाएं, नीचे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल करें और आपका जो बिजनेस है आज एक नए दौर में, एक नए पर्व पे लेके जाए और एक्सेप्ट करें इस चीज़ों को। 90 में जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का ज़माना था, अब ज़माना है डिजिटलाइजेशन का। उस ज़माने को पहचानिए, उस दौर को पहचानिए और आज ही एक्सेप्ट करके आपका बिजनेस आगे बढ़े। ये वीडियो शेयर करें उन लोगों तक जिनको अपने बिजनेस में डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक करें। बिजनेस मोटिवेशनल और सोशल वीडियोस पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिनको आपको, आपके रिलेटिव्स को, आपके कलीग्स को आपका बिजनेस फिजिकल से लेके डिजिटल बनाने के लिए इन दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें। धन्यवाद।